राम नगरी अयोध्या के छठे दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस दीपोत्सव में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रविवार को अयोध्या पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए भव्यता प्रदान करने की तैयारी और तेज हो गई है। साकेत डिग्री कॉलेज से लेकर राम जन्मभूमि मंदिर, रामकथा पार्क, सरयू तट और राम की पैड़ी पर प्रमुख रूप से कार्यक्रमों का आयोजन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर इन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो दल अयोध्या पहुंच गई है। टीम ने साकेत डिग्री कॉलेज, राम की पैड़ी और रामकथा पार्क का निरीक्षण किया है। वैसे इस बार के दीपोत्सव पहले के दीपोत्सव से काफी अलग होने वाला है। जी हाँ, राम की नगरी अयोध्या में इस साल त्रेता युग का माहौल को रिक्रिएट करने की तैयारी चल रही है। प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने के बाद स्वागत के लिए तैयार अयोध्या तैयार नजर आ रहा है। राम की पैड़ी पर दीयों को सजाने का काम अवध यूनिवर्सिटी की वॉलंटियरों के छोटे ग्रुप ने शुरू कर दिया है। वहीं सांस्कृतिक झांकियों के रथ भी लगभग तैयार हैं। इनकी पेंटिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है। रामकथा के विभिन्न खंडों को दर्शाने वाली 16 झांकियों के रथ में 5 रथ डिजिटल झांकियों को प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके अलावा डिजिटल झांकियां पहली बार शोभा यात्रा में शामिल की जा रही हैं। इसमें एनिमेशन से रामकथा के विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग इन 5 झांकियों को तैयार करवा रहा है, जबकि 11 झांकियां सूचना विभाग तैयार करा रहा है। बताया जा रहा है कि इस साल सरयू तट पर ग्रीन आतिशबाजी शो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। आपको ये भी बता दें कि दीपोत्सव में कोविड-19 के गाइडलाइन के मुताबिक एक स्थान पर भीड़ न जुटा देने की तैयारी भी की गई है। इसके लिए अयोध्या और फैजाबाद शहर में करीब 40 LED लगाई जा रही है, जिससे कार्यक्रम का प्रसारण आम लोगों तक पहुँचाया जाएगा। बहरहाल दीपोत्सव की तैयारी अब अपने अंतिम दौर पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुपालन में राम की पैड़ी स्थल, मंदिरों की पेंटिंग और रिनोवेशन का काम भी करवाया जा रहा है। अब अगर किसी दिन का इंतजार है तो वो रविवार का, जब पीएम मोदी सहित देश के तमाम VIP यहां पहुंचेंगे, जिसके बाद वो खुद और पूरी दुनिया राम की नगरी की ऐतिहासिक दीपोत्सव देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत TV।